हेलो एवरीबॉडी, मैं निशा पांडे आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट streetfood.cafe से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी जो कि पहले में पौंडीचेरी थी, भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले पुडुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसमें 5 पृथक जिलों का समावेश था। पुडुचेरी का नाम पौंडीचेरी इसके सबसे बड़े जिले पुडुचेरी के नाम पर पड़ा था। सितंबर 2003 में पौंडीचेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया, जिसका कि स्थानीय तमिल में अर्थ है नया गांव। भारत का यह क्षेत्र लगभग 300 वर्षों तक फ्रांसीसी अधिकार में रहा और आज भी यहां फ्रांसीसी वास्तुशिल्प और संस्कृति देखने को मिल जाती है। पुराने समय में यह फ्रांस के साथ होने वाले व्यापार का मुख्य केंद्र था। आज अनेक पर्यटक इसके सुंदर समुद्र तटों और तत्कालीन सभ्यता की झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। पैराडाइज बीच। पैराडाइज बीच शहर से 8 किलोमीटर दूर कुडलोर मेन रोड के पास स्थित है। इस बीच के एक ओर छोटी खाड़ी है, यहां केवल नाव द्वारा ही जाया जा सकता है। नाव पर जाते समय पानी में डॉल्फिन के करतब देखना एक सुखद अनुभव है। यहाँ का वातावरण देखकर इसके नाम की सार्थकता का एहसास होता है। यह वास्तव में स्वर्ग के समान है। ओरोविले बीच। पुडुचेरी से 12 किलोमीटर दूर इस तट का पानी अधिक गहरा नहीं है, इसलिए पानी में तैरने के शौकीनों के लिए यह बहुत सही जगह है। सप्ताह के अंत में यहाँ समय बिताना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उस दौरान यहाँ बहुत भीड़ रहती है, बाकी दिन ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। अरिकमेडू। यह ऐतिहासिक जगह पुडुचेरी से के 4 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ स्थानीय लोगों के रोमन कॉलोनियों के साथ व्यापार का प्रतीक है। यह व्यापार ईसा पूर्व 2 शताब्दी में होता था। यहाँ स्थानीय व्यापारी वाइन का आयात करते थे और इसके बदले में कपड़ा, बहुमूल्य रत्न और आभूषण निर्यात करते थे। अभी भी यहाँ 17वीं शताब्दी से निर्मित फ्रेंच जेसुइट मिशन हाउस के खंडहर देखे जा सकते हैं। streetfood.cafe से आपकी होस्ट निशा पांडे।